Hello friends, continuing our previous video, second question को देखते हैं हम. राम और श्याम दो लोग पार्टनर थे 7:5 के रेशियो में, दैट मीन 7/12 5/12. उन्होंने गोपी को नया पार्टनर बनाया 1/6 हिस्से के लिए. अब हमें प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के डिफरेंस को समझना है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, ओल्ड पार्टनर है, कुछ रेशियो में नया आया, लेकिन नए के बारे में कुछ नहीं बता रखा था, वो कहां से कितना कितना ले रहा है. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो साफ साफ कह रखा है, गोपी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, जो वो राम और श्याम से बराबर बराबर लेता है. तो दोस्तों, जहां आपको नए पार्टनर के बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन हो कि वो किससे कितना कितना ले रहा है, उस समय हमें लेट नहीं करना, टोटल प्रॉफिट को लेट नहीं करना. अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, हमें पता है गोपी को 1/6 चाहिए और वो 1/6 राम और श्याम से आधा आधा चाहिए. तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, गोपी एक्वायर्स फ्रॉम राम. तो हम देखेंगे गोपी राम से क्या ले रहा है. सर, गोपी को 1/6 चाहिए, आधा यानी इसका 1/2 यानी ही इज टेकिंग 1/12 फ्रॉम राम. एंड देन व्हाट गोपी इज एक्वायरिंग फ्रॉम श्याम, 1/6 का आधा 1/12. चेक करके देख लो, 1/12 वो पहले आदमी से ले रहा है, 1/12 वो दूसरे आदमी से ले रहा है. टोटल करोगे इट विल बिकम 2/12. 2/12 का मतलब गोपी का हिस्सा 1/6. अब हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो. राम, दोस्तों राम के पास ऑलरेडी कितना शेयर था, 7/12 था उसका प्रीवियस शेयर, उसमें से वो 1/12 निकाल के गोपी को दे रहा है, तो ही इज लेफ्ट विथ 6/12. श्याम के पास दोस्तों पुराना 5/12 था, उसमें से वो 1/12 निकाल के गोपी को दे रहा है, तो उसके पास बचा 4/12. और जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, न्यू रेशियो तब निकलेगा जब नया पार्टनर साथ जुड़ेगा, तो गोपी का हिस्सा 1/6 है. अब दोस्तों हमने देखा इसका डिनोमिनेटर 12 है, इसका डिनोमिनेटर 12 है, वो चाहे आप इसको फर्दर सोल्व कर लो या इसका डिनोमिनेटर 12 ले आओ. 12 लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, इट विल बिकम 2/12. तो इसको सोल्व करोगे इट विल बिकम 6/42, जिसको फर्दर सोल्व किया जा सकता है 3/1 एज दियर न्यू रेशियो. क्लियर है दोस्तों. अभी तक हमने दो क्वेश्चन देखे हैं, एक प्रीवियस वीडियो में एक इसमें. अंतर क्या है, अंतर को समझना है. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, ये नहीं बता रखा था वो कहां से कितना कितना ले रहा है, इसलिए हमने लेट किया टोटल प्रॉफिट 1, उसमें से न्यू पार्टनर को उसका हिस्सा दे दिया, बाकी का पैसा बाकी के पार्टनर्स में बांट दिया. इस सेकंड क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है नया पार्टनर इतने हिस्से के लिए आया, वो बाकी लोगों से इस रेशो में ले रहा है, तो यहां लेट करने की कोई जरूरत नहीं. इंफॉर्मेशन के हिसाब से कैलकुलेट करो कि ओल्ड पार्टनर कौन दे रहा है गोपी को कितना कितना, वो कैलकुलेट किया जितना ये दे रहे हैं. देंगे तो कॉमन सेंस है, उनका अपना शेयर कम हो जाएगा, तो अपने एग्जिस्टिंग हिस्से में से माइनस कर दो, यू विल अराइव एट यूर न्यू रेशियो. अब हम थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो लगभग इसी के जैसा ही है. कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3/1. तीन जन पार्टनर है बच्चों 3/1 के रेशियो में. नया पार्टनर आया डी और नया पार्टनर डी आया 1/8 हिस्से के लिए. फिर से हमें देखना है कि क्या हमें इंफॉर्मेशन है डी किससे कितना कितना ले रहा है. अगर इंफॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी बात, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो लेट करके चलेंगे. साफ साफ कह रहा है विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी, यानी डी को जो पैसे चाहिए वो सिर्फ बी और सी से ले रहा है, ए से नहीं ले रहा. कितना कितना ले रहा है, 1/16 बी से 1/16 सी से. तो
तो दोस्तों एक बार रफली जोड़ के देख लेते हैं, 1/16, 1/16, टोटल किया इट बिकम्स 2/16, यानी 1/8 इसके हिस्से के बराबर आ रहा है। दैट मींस आज आपको सीधा ये गिवन है कि कितना कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, यानी कितना कितना बी और सी ने डी को दिया। आज न्यू रेशियो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएगा। ए दोस्तों, ए के पास 3/6 था, उसने कुछ नहीं दिया, उसके शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बी बी के पास 2/6 था, उसमें से 1/16 उसने दे दिया। सी के पास 1/6 था, उसमें से 1/16 उसने भी दे दिया। डी की बात करें दोस्तों, तो डी 1/8 हिस्से के लिए आया। ये सिचुएशन है हमारे पास। अब इसको सोल्व करना है। ए एज इट इज 3/6, इसको सोल्व करोगे दोस्तों, एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ गया 48, इट विल बिकम 13/48। इसको सोल्व किया 5/48। अब दोस्तों इनके डिनोमिनेटर तो 48 है, इसका 6 है, इसका 8 है, तो क्यों ना सबका डिनोमिनेटर बराबर करें। इसका डिनोमिनेटर 48 कैसे लाओगे, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम 24/48। इसका कैसे लाओगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6/48। सारे डिनोमिनेटर बराबर आ गए, तो डिनोमिनेटर को भूल जाओ, बाकी रेशियो बन गया 24:13:5:6। चेक कर लो, 24:13:37:42:48 डिनोमिनेटर के इक्वल आ गया। दिस विल बी योर न्यू रेशियो। अब सेकंड और थर्ड में क्या अंतर था, सेकंड क्वेश्चन में बता रखा था नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आया, और कह रखा था उसे जितने पैसे चाहिए वो बाकी दोनों से आधे आधे लेगा। तो पहले मैंने ये कैलकुलेट किया कि लेगा कितने कितने। आज हमें थर्ड क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा था कि उसे 1/8 चाहिए, 1/16 वो एक से ले रहा है, 1/16 दूसरे से ले रहा है। तो आज मेरा काम और आसान हो गया, मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो किससे कितने कितने लेगा, क्योंकि वो मेरे को साफ साफ गिवन था। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, अभी तक के सारे क्वेश्चन का मिक्सचर है ये। कहता है सुरेश और रमेश ये दो जन पार्टनर थे 5:3 में। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो दो पार्टनर एडमिट हुए। पहला पार्टनर 1 अप्रैल 2018 को आया, दीपक, और वो आया है 1/4 हिस्से के लिए। दूसरा पार्टनर 31 जुलाई को आया, एंड द पार्टनर इज करण, और वो आया है 1/6 हिस्से के लिए। तो दोस्तों दो अलग अलग दिन दो अलग अलग पार्टनर आए। हमें पता है हम अकाउंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं, तो डेट वाइज चलेंगे पहले कौन आया। लेट्स फोकस ऑन दीपक ओनली, कि 1 अप्रैल को हमारे पास दीपक नाम का एक नया पार्टनर आया, जबकि सुरेश और रमेश हमारे पास दो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे। भूल जाओ अभी करण के बारे में। दीपक को 1/4 चाहिए। क्या हमें कहीं बता रखा है दीपक किससे ले रहा है, कितना कितना ले रहा है? नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो गया। ऐसे में कैसे सोल्व करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। टोटल प्रॉफिट 1 कमाया, दीपक को दीपक का हिस्सा दे दो 1/4। तो दोस्तों आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, 1 - 1/4, यानी आपके पास दोस्तों 3/4 बचा। इस 3/4 के ऊपर किसका अधिकार है, डेफिनेटली सुरेश और रमेश का। किस रेशो में, अपने पुराने रेशो में। पुराना रेशो क्या था, 5:3, जिसका मतलब समझ रहे हो ना, 5/8। 8 कहाँ से आया, इन दोनों को सम कर लो, तो यानी टोटल 8 टुकड़े करें तो 5 टुकड़े ये लेगा, 3 टुकड़े ये लेगा। तो सुरेश का नया रेशो क्या होगा, 3/4 का 5/8। रमेश 3/4 का 3/8। और नया रेशो निकालना है तो नए पार्टनर को तो साथ पुट करना ही होगा। इसको सोल्व करोगे 15/32, 9/32। अभी ये दोनों 32 आ गए, इसका डिनोमिनेटर तो 4 ही है, इसको 32 कैसे बनाएं,
8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो 15:9:8 ये बन गया इनका न्यू रेशो, किसके आने के बाद, दीपक के आने के बाद। लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, थोड़ी देर बाद हमारे पास कौन पार्टनर बना, करण पार्टनर बना। अब दोस्तों जब करण पार्टनर बना तो उस दिन उसको फर्म में कौन कौन मिले, डेफिनेटली उसे सुरेश भी मिला, रमेश भी मिला और दीपक भी मिला, तो उसके लिए ओल्ड पार्टनर कौन है, तीनों, ओल्ड रेशो। अब इसकी इंपॉर्टेंस खत्म, क्योंकि जब करण आया तो उसके लिए ये तीन जन पार्टनर थे और ये इनका रेशो था। तो यानी करण के परस्पेक्टिव से देखें तो ऑन द डे व्हेन करण एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑलरेडी देयर वर थ्री पार्टनर्स, सुरेश, रमेश एंड दीपक इन द रेशो 15:9:8। अब दोस्तों करण कितने हिस्से के लिए पार्टनर बना, करण आया 1/6 हिस्से के लिए। उसके बारे में क्या कहता है, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम सुरेश, रमेश, दीपक। करण को 1/6 चाहिए और बता रखा है किससे कितना कितना चाहिए, यानी आज लेट नहीं करना, करण को तीनों पार्टनर से बराबर बराबर चाहिए। कॉमन सेंस है यार, मुझे कोई चीज तीन लोगों से चाहिए होगी तो 1/3, 1/3, 1/3 करके ले लूंगा, ऐसा ही करण भी करेगा। तो करण एक्वायर्स फ्रॉम सुरेश, करण को पैसे कितने चाहिए, 1/6। क्या सारे सुरेश से चाहिए, नहीं, सिर्फ 1/3 हिस्सा चाहिए, तो 1/6 का 1/3। करण एक्वायर फ्रॉम रमेश, 1/6 का 1/3। करण एक्वायर्स फ्रॉम दीपक, 1/6 का 1/3। तो यानी 118 इससे ले लिया, 118 इससे ले लिया, 118 दीपक से ले लिया। तो ये तो अभी हमें पता चला करण ने एक्चुअल में कितने कितने पैसे सुरेश, रमेश और दीपक से लिए। अब न्यू रेशो कैसे निकालोगे, सुरेश के पास दोस्तों क्या था, 15/32, उसने कितना दे दिया, 1/18। रमेश के पास था 9/32, कितना दे दिया, 1/18। दीपक के पास था 8/32, कितना दे दिया, 1/18। न्यू रेशो तब बनेगा जब नया पार्टनर साथ आएगा, एंड हु इज न्यू पार्टनर, करण, कितने हिस्से के लिए, 1/6। इसको सोल्व कर लेना दोस्तों, सोल्व करोगे यू विल अराइव एट योर न्यू रेशो। क्लियर है बेटा। तो अभी तक हमने चार क्वेश्चन करे, चारों क्वेश्चन समवट एक दूसरे से कुछ कुछ डिफरेंट थे, ठीक है दोस्तों। अभी आप इनको देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे दो तीन क्वेश्चंस और करेंगे। थैंक यू।